हेलो भाई, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस हैं, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को कैसे ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप बंद कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन को ऑफ कैसे करेंगे, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना है, तो साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास ऑप्शन आता है सिस्टम साउंड सेटिंग, जहाँ से टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं। साउंड शो हो रहा है तो आप ऑफ करना चाहते हैं, तो इसको ऑफ कर देंगे तो साउंड बंद हो जाएगा, फिर कोई भी साउंड अगर आपके टच पे शो नहीं करेगा। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं, सबकी बना लाया और इसमें ऑफ करते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, टच वाइब्रेशन भी ऑफ कर पाएंगे। इसमें इस तरीके से टच साउंड को आप ऑफ भी कर सकते हैं, टच वाइब्रेशन को भी ऑफ कर पाएंगे। साउंड ऑफ करना चाहें कर सकते हैं और इसका यूज भी ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन को ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो